अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहते हैं आसान तर्जुमा उर्दू वाला, तो ये कुरान मजीद जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेहतरीन है। कंजुल इरफान फी तर्जुमातिल कुरान, ये मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब ने लिखा है। ये इफहामुल कुरान है, इसमें हाशिया भी लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल के मुताबिक बताता हूँ, आप थोड़ा सा इसको पढ़ें। ये देखिए यहाँ पर पहला पारा है, ठीक है। बस पहला पारा में आप ये देखें कि इसमें बेहतरीन किस्म की तर्जुमा लिखा हुआ है और किस अंदाज से लिखा हुआ है ये भी आप देखें। आप देखिए अलिफ लाम में लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा जो है ब्लू कलर है इसका, ठीक है। अब दूसरी आयत है, दूसरी आयत में देखिए आप से कलर चेंज हो गया, इससे आपको पता चल गया कि भाई ये जो तर्जुमा है ये इस आयत का है। फिर इस आयत का तर्जुमा देखें आप, इस आयत के जो कलर देखें ग्रीन कलर है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं तर्जुमा भी नीचे लिखा हुआ है साथ साथ, और ये यहाँ पर कलर भी है, ब्यूटीफुल कलर्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर ग्रे कलर आ गया, यहाँ पर जो वो येलो कलर आ गया। तो इसपे क्या है कि कलरफुल है कुरान मजीद ना, तो इसपे नीचे भी हाशिया भी लिखा हुआ है। देखें उनवान क्या है, कुरान कुरान शक व शुबा से पाक हिदायत की किताब, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि देखें अलिफ लाम मीम है, वन लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हाशिया है यहाँ पर ना, नीचे में हाशिया दिया हुआ है। देखें हाशिया लिखा हुआ है, ये हरूफ अल्लाह ताला के राज है, यानी कि अलिफ लाम मीम, जो अलिफ लाम मीम है वन लिखा हुआ है। अगर आप नीचे आए इसके हाशिया की तरफ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हरूफ अल्लाह ताला के राज है और मुतशाबियात में से है, इनकी मुराद अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, और हम इनके हक में इनके हक होने पर ईमान लाते हैं, ठीक है। कितनी बेहतरीन, यानी कि तर्जुमा भी लिखा हुआ है, उसके नीचे उसके डिटेल लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर दो लिखा हुआ है, यहाँ पर टू लिखा, टू टू से मुराद क्या है कि आप यहाँ से आप पढ़ लीजिए। तो इस तरह ये इन्होंने बेहतरीन किस्म का लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाएं। तर्जुमा तफसीर, तो तर्जुमा भी उसके जो थोड़ी बहुत तफसीर भी नीचे लिखी हुई है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है उनवान क्या है इसका, ईमान लाने में मुनाफिकों का हाल उनका अंजाम, इसी तरह मुनाफिकों की इसलाह के नाम पर फसाद, यानी कि जो ग्रीन कलर है ना, ये तो ग्रीन कलर, इसका उनवान क्या है, मुनाफिकों की इसलाह के नाम फसाद। इसी तरह यहाँ पर तो ग्रे कलर है, ये देखिए आप ग्रे कलर, इसका तर्जुमा पढ़ें। और जब इनसे कहा जाए कि तुम इसी तरह ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, तो कहते हैं क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ठीक है। तो ये सहाबा पर इतराज कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये देखें, ये देखें ये तर्जुमा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये उनवान है इसका, बेहतरीन उनवान के साथ, हाशिया के साथ, तर्जुमे के साथ, कलरफुल ब्यूटीफुल कलर्स है यहाँ पर लिखे हुए। तो इस तरह आप तर्जुमा तफसीर तर्जुमा और उसके हाशिया के साथ पढ़ सकते हैं। आप देखते हैं पूरा कुरान मजीद है, आप नीचे करें इसको, इसको आप पढ़ते जाएं, एक एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर ना। तो मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब ने ये लिखा है, तो काइंडली आप इसको जो वो रीड करें। और ये कहाँ से मिलेगा, आप जाएं सीधा दावत इस्लामी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां जाकर लिखें कंजुल इरफान, इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें तो आ जाएगा ही, ठीक है। हाशिया भी इफहामुल कुरान लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रोमन उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, तो उर्दू में भी है, आप यहाँ पर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो बेहतरीन जो है वो बुक्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, मजीद ये के लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी इसको कर लीजिएगा। जजाकअल्लाहु खैरों।